हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी या आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में प्रोविजनल पैनल री मेडिकल पास कैंडिडेटों का है। हालांकि पैनल में कैंडिडेटों की संख्या कुछ कम है, लेकिन उनके लिए जिनका रिजल्ट विथ हेल्थ था और री मेडिकल का एग्ज़ाम पास हुए हैं, उनके लिए पैनल जारी है। तो कहाँ है, तो बिना देरी किए चलेंगे आरआरसी कोलकाता पे। तो कोलकाता में 2 दिन पहले का अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस बोर्ड में प्रोविजनल पैनल आ गया है यहाँ पे, जिसको आपको कह सकते हैं 2/18 के लिए प्रोविजनल पैनल है। इसे ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको ये डिटेल दिखेगा। ये डिटेल आपको पीडीएफ के रूप में है, तो यहाँ पे आप डिटेल का देख सकते हैं, जिसमें अनफिलेड वैकेंसी का है। तो बोला था कि 2384 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे, 2367 को हमने वैकेंसी था टोटल दिया था। उसमें से अभी भी कई सारे पोस्ट खाली हो सकते हैं, सेकंड डीवी का संभावना बन सकती है, क्योंकि जितनी पोस्ट है कम से कम उससे थोड़ी सी ज़्यादा लोगों का किया था। अब उसमें ये हुआ है कि ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कुछ डॉक्यूमेंट के कारण नहीं हुआ था, उनको फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद, उनको आगे की चेक करने के बाद आगे की प्रोसेस के लिए पैनल में जारी कर दिया है। अभी भी एक कैंडिडेट का इन्होंने लिखा है कि इनकी अभी चेक किया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट है होल्ड कर रखा है रिजल्ट। तो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, तो आप जानते ही है, सिग्नेचर हो सकता है, आपकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो होता है, जो वहाँ पे लिखना होता है पैराग्राफ के रूप में वो हो सकता है, आपकी डॉक्यूमेंट हो सकती है, डॉक्यूमेंट में भी खास करके आपकी डिग्री हो सकती है, या OBC वगैरह SC ST का जो फॉर्मेट होता है, या जो भी डिटेल उसके रिलेटेड होती है उसमें कोई कमी रहती है तो उसको आगे चेक किया जाता है, उनके लिए है। अभी एक कैंडिडेट का, जिन्होंने 5 कैंडिडेट ऐसे हैं, 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका DB के बाद मेडिकली चेक तो कर लिया गया था, अनफिल वैकेंसी कैंगेंसी इनको लिया गया है, जो सारे चीज़ करने के बाद इनको 4 लोग और बचे थे, इनको भी 3 SC से 1 OBC कैंडिडेट को पैनल में शामिल किया गया है। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी राइटिंग और सिग्नेचर मिसमैच नहीं कर रहा है, जिसको फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट होगा, तब आगे इन कैंडिडेट का आगे का प्रोसेस होगा। तो देख लीजिए सिग्नेचर वगैरह के लिए, और जानते ही हैं 2/18 से अगर आज देखें तो पूरे 3 साल हो गए हैं, 3 ईयर प्लस हो चुके हैं, 3 ईयर तक अभी इनकी प्रोसेस ही चल रही है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा सिग्नेचर और राइटिंग करते हुए। अब कैंडिडेट मेडिकल अनफिट वाले हैं, जो मेडिकल में पहले अनफिट हो गए थे, तो 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मेडिकल पहले B1 फिट नहीं थे, अब फिट हो गए हैं। देखिए री मेडिकल में इन्होंने फिट हो गए, B1। तो 1 UR से, 2 OBC से, 3 OBC से, 1 SC, 2 SC और 1 ST से कैंडिडेट हैं। 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 × 4 = 11, 12 लोगों का टोटल पैनल है, और 2 लोगों को अभी भी विथहेल्ड रखा है। आगे की प्रोसेस में अब लगता है इसके बाद बचती है सेकंड DB का ही चांस बचती है, क्योंकि ज़्यादा लोग अभी है नहीं, जब तक अभी आपका RRC 1/2019 क्लियर नहीं होता है ग्रुप डी वाला। तो अभी भी लग रहा है कि कई सारे यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर कि कितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।